हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोले। छोले बनाने के लिए हमने रात को ये छोले भिगो के रखे थे सोक करने के लिए, और तीन बार अभी वॉश करके अच्छे से धो के और कुकर में डाल देंगे। आधा लीटर हमने पानी लिया है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के हम बॉईल कर लेंगे। अब कुकर में हम 2 सीटी लगाते हैं, उससे मेल्ट हो जाते हैं, या 4 सीटी लगाते हैं, विसल लगाते हैं, आपके कुकर पर डिपेंड करता है। ये हमने टोमेटो पाउडर लिया है और ओनियन पाउडर दोनों 1 टेबल स्पून लिया है। अब ये आप काजू, बादाम और पीनट, इसका पाउडर भी 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। मैंने डालना भूल गई थी, नहीं तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। आप आमचूर की जगह लेमन जूस भी ले सकते हैं। और कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स का पाउडर बना के हमने रखा है, वो डाला है। और ये मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और ये पोटैटो हमने बॉईल करने के लिए उसमें 150 ग्राम डाल दिए हैं। अब ये हमारे बॉईल हो गए हैं। हमने वघार देने के लिए ये ऑयल रखा है 5 टेबल स्पून, उसमें जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिए और तेज़पत्ता, लौंग, तेजपत्ता, तर्ज, लविंग सब कुछ इसमें डाल देंगे। आलू इसमें हमने डाल दिए हैं। और अब ग्रेवी में हम जो बॉईल किया हुआ था पानी छोले के साथ उसी को डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप दूसरा पानी डाल सकते हैं इसमें, मगर हमने वही डाला है पानी। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे हम वो डाल देंगे। ऑयल में नहीं डालनी है, पानी डाल के बाद में डालने हैं, नहीं तो जल जाएंगे, क्योंकि इसमें इसको भूनना नहीं है, किसी भी पाउडर को भूनना नहीं है, पानी डाल के बाद में ही डालेंगे, नहीं तो जल जाएंगे। अब ये अच्छे से मिक्स करके बॉयल हुए पोटैटो और छोले में कुकर में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। आप पीनट और काजू बादाम का पाउडर डाल सकते हैं, मगर पहले उन्हें रोस्ट करना है, उसके बाद उसे ग्राइंड फाइन करना है। अब ये हमारे मिक्स हो गए हैं। अब कुकर को सीटी लगा देंगे, 2 विसल लगा के 20 से 30 मिनट्स तक उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद खोल के उसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल के 5 मिनट के लिए कुकर बंद कर देंगे। और ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है। हम पोटैटो को थोड़ा मैश कर देंगे तो ग्रेवी आपकी थिक बन जाएगी। 2 पोटैटो को हम मैश कर देंगे ऐसे दबा के, और 2 को ऐसे पीसेस में कर देंगे। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं। पनीर की है, बेसन की टिक्की है, कोई भी ग्रेवी की सब्जी आप बना सकते हैं, टेस्टी और हेल्दी बनती है।